राउंड एंड यहाँ पे ऊपर गाइस टीम सोल वर्सेस टीम फनाटिक हमें किसी भी पल देखने को मिल सकता है। यहाँ पे टीम फनाटिक के प्लेयर्स आ चुके हैं रेगल्टॉस के राइट साइड पे, परितोष आ चुके हैं, रेगल्टॉस को थोड़ा सा केयरफुल रहना पड़ेगा। आई थिंक उन्होंने यहाँ पे फुटस्टेप सुन लिया, यहाँ पे 1v1 होता हुआ परितोष को यहाँ पे नॉक कर दिया एंड वहां से सांगवान भी आते हुए ओवेस की तरफ से। सो यहाँ पे लेफ्ट एंड राइट फाइट हो रही है गाइस, आप लोग अगर देख सकते हो रेगल्टॉस वहां पे ऊपर चढ़ते हुए एश के साथ 1v1 करते हुए, मॉर्टल भी पीछे से आते हुए एंड यहाँ पे सांगवान ने एक प्लेयर को और नॉक कर दिया। फनाटिक की टीम यहाँ पे ओब्लिरेट होते हुए गाइस, यहाँ पे रौनक अकेले बचे हुए, रौनक के साथ खत्म होते हुए टीम सोल पूरी फनाटिक के ऊपर चढ़ के एंड यहाँ पे वाइप आउट कर दिया है पूरी टीम फनाटिक को। 8 किल्स निकालते हुए यहाँ पे सोल एक एग्रेसिव स्टैंड में आते हुए और अपना पूरा प्रदर्शन एकदम क्लीन वाइप करते हुए यहाँ पे टीम को, बट सोल को यहाँ से जल्दी से निकलना पड़ेगा, बहुत ज्यादा दिक्कत देता बाद में टीम को। बट यहाँ पे बीन मीन को यहाँ पे जो नॉक किया था उनके आई थिंक एक प्लेयर खत्म होते हुए एंड दैट वाज द एंड। अभी भी 9 टीम्स बची हुई है एंड जस्ट इन फ्रंट ऑफ टीम ब्रॉलर्स वहाँ पे टीम सोल है। सो लेट्स सी बैक टू बैक दो फाइट देखनी है हमने बूम के साथ एंड बढ़िया हमारा सुन ले पे टीम रेगल्डोस ने बहुत प्यारा एंट्री लिया, बहुत प्यारा एश को नॉक किया इसने वहां पे सोल के प्लेयर अगेन वहां पे नॉक लेते हुए टीम सांगवान नॉक किया। स्टॉपिंग एनीवेयर गाइस, दे आर continuously having fight with the team back to back, this is their practice guys, dono ne bhi bolte hain mortal yahan pe ekdam aage badhte hue mini bus ke sath wo aage badh rahe hain, rukne ka naam nahi liya ja raha hai yahan pe। So team soul has changed their style and they are not stopping at this point of now। 8 kills already nikal chuke hain, momentum indo server ka hoga guys, kya rukne ka koi fayda nahi hai indo server khelne ka natija। Abhi bhi hame dekhna guys, total 9 teams bachi hui hain, MYM and OR aamne samne hai, new sd ke squad ekdam जोन के पीछे है। सोल के प्लेयर्स रिच का कवर लेते हुए, रिच का बहुत प्यारा इस्तेमाल किया जा रहा है भाई टीम सोल एंड यहाँ पे थोड़ा सा केयरफुल रहना पड़ेगा सांगवान को। यहाँ पे ये नेड एक्चुअली किस तरफ से और वहां पे सांगवान ने स्पॉट किया जीब्रा को और उनको नॉक करा यहाँ पे। ओह माय गॉड, यहाँ पे व्हाट अ क्लीन स्पॉट और सांगवान ने वहां पे M24 से डार्क को भी नॉक किया। तो सांगवान को ऑलरेडी पता चल चुका है कि दिस इज देयर ओल्ड टीम एंड दे नो हाउ दे प्ले। सो सांगवान ऑलरेडी एक ऐसी टीम के साथ सामना कर रहे हैं जिनके साथ वो पहले भी खेल चुके हैं और उनके लिए थोड़ा सा इजी हो जाएगा करने के लिए। एक प्लेयर और है जिनको मॉर्टल खत्म करने की कोशिश कर रहे हैं, दैट इज स्कॉट। तो लेट्स सी, क्योंकि बाद में स्कॉट उनके लिए बहुत घातक हो सकता है और यहाँ पे मॉर्टल मेक श्योर कर रहे हैं कि उनके प्लेयर पूरे खत्म हो और स्कॉट यहाँ पे ऑलमोस्ट खत्म होने वाले हैं और वहाँ पे मॉर्टल ने उनको पूरा खत्म करके माना है। बट आगे थोड़ा वाइपर आगे जा रहे हैं क्लोजिंग करते हुए वहां पे वाइपर आ चुके हैं, वाइपर ने वहां पे नॉक किया, दोनों प्लेयर्स नॉक हो चुके हैं अपने शॉट से एंड इट्स बिटवीन मॉर्टल वर्सेस डार्क राइट नाउ एंड प्लेयर्स अगर नहीं 1 वर्सेस 3 बॉयज तो यहां पे आ चुके हैं। डार्क ऑलरेडी कवर ले चुके हैं बट कितनी देर तक डार्क यहां पे रोक पाएंगे या कितना डैमेज दे पाएंगे डार्क यहां पे अपने AKM के साथ, वी हैव टू सी। मॉर्टल यहां पे आ चुके हैं, मॉर्टल गेम सेंस को यहां पे बहुत अच्छे से अप्लाई करते हैं और वहां पे एक और खत्म करा है मॉर्टल के साथ फाइट होती हुई। दो प्लेयर्स को आई थिंक नॉक किया गया है यहां पे क्या कर रहा है भाई, कैमरा रोक दे भाई एक जगह, मॉर्टल फाइट तो देखने दे, ले रहे अपनी टीम के साथ बढ़ते ही जा रहे हैं एंड दिस कैमरा तो घुमा ले ढंग से। तो गाइस बूम्स फनाटिक ब्रॉलर्स जो भी टीम सोल के सामने आ रहा है दे आर लिटरली गोइंग डाउन। सो टीम सोल इज ऑन अनदर फॉर्म राइट नाउ बट हम टीम टी कैमरा चक्री मार रहा है भाई, ये गलती है। पीएस के वेजिटा टीम के लिए यहां पे किल ले चुके, ऊपर से एमवाईएम ब्लीम आते हुए बिलीव ने वहां पे ऑक्टस को भी खत्म कर दिया है और आई थिंक एक प्लेयर और बचे हुए टीजी के सीबो। सो टीजी के प्लेयर एक्चुअली इतना फोकस्ड हो चुके थे पीएस के प्लेयर की तरफ कि उन्होंने राइट साइड से उनके प्लेयर आ रहे थे उनको थोड़ा सा मिस कर दिया। बट क्या एमवाईएम के दोनों प्लेयर्स यहां पे खत्म कर पाएंगे, एक लोग के पास MK14 है। सो वे एक ऑलरेडी कैमरे बन चुके हैं भाई, थोड़ा सा बच के रहो आज क्योंकि टीम सोल आपके राइट में है एंड आज थोड़े से फॉर्म में जो आपको दिक्कत दे सकता है। एक चीज होता है मेरे को जो दिक्कत लगती है भाई इंडियन कास्टर्स का, आपको टू बी ऑनेस्ट बता रहा हूँ, इंडियन कास्टर्स का टॉपिक जो चल रहा है फाइट छोड़ के ज़्यादा ज्ञान देती है अलग अलग चीज़ों की, भाई ये हो गया इससे बच कर भाई प्रॉपर जैसे इंग्लिश कास्टिंग का मजा देखने में फैक्ट्स बोलते कि इसने इधर फ्लैंक किया, इसने इतना मारा, यहाँ पे फ्लैंक हो रहा है, ऐसा कास्टिंग देखने में ज़्यादा मजा आता है। ये रहो, ये कर दिया, वो कर दिया, ये सब बोलने में मज़ा नहीं आता ना मेरे भाई।
करते हुए एंड आई थिंक सांगवान यहाँ पे रिजल्ट उसने वहाँ पे आई एन एस के और फोर मैन स्ट्रॉन्ग सोल इज नाउ फोर मैन स्ट्रॉन्ग इजी इजी विन है सोल का फाइट हो रही है उनकी सो लेट्स सी सांगवान की यहाँ पे आईटी प्रिंस के साथ सामना होता हुआ एंड यहाँ पे 1v1 होता हुआ आईटी प्रिंस को भी बाहर कर चुके हैं सांगवान यहाँ पे अलादीन को भी स्पॉट कर लिया एंड अलादीन को भी से बाहर निकालते हुए सोल सांगवान एंड सोल रिजल्ट का कंटिन्यूअसली शॉट्स यहाँ पे टीम लास्ट मैन आई एन एस को भी खत्म कर 18 kills dinner boys and yahan pe MYM believe ko bhi shot dete hue Regaltos but Regaltos ko thoda sa careful raha that was TG Sibo jinke shot aa rahe the ek player bache hue 4v1 right now guys maro 3v1 ek player khatam ho chuke hain Seoul ke और वहाँ पे MYM बिलीव को थोड़ी सी दिक्कत हो सकती है क्योंकि उनका सामना टीम सोल के साथ हो रहा है जो आज रुकने का नाम नहीं ले रही है एंड यहाँ पे वाइपर अपने M4 के साथ लास्ट प्लेयर को भी खत्म करते हुए एंड दैट वाज द एंड ऑफ द फर्स्ट मैच ऑफ ईस्पोर्ट्स नेटवर्क टीओ क्या ही खेला भाई इन लोगों ने टीम सोल एक नंबर टुक द चिकन डिनर विद नंबर ऑफ 18 किल्स गाइस बुंड मार ली भाई बुंड मार ली कतई बुंड मार ली ऑन द चैट गाइस टीम सोल इन द कतई बुंड मार ली ब्रो सैक्स सैक्स गेम सैक्स गेम मजा आ गया बट टकटे घुमा दिए ब्रो लॉन्डे ने लॉन्डो ने नेक्स्ट आईडी पास आ जान दो अपन जाते